भगवा दुपट्टा मुस्लिम महिला के लिए बना अभिशाप, योगी के पास फरियाद लगाना पड़ा महंगा। हम जनता दरबार में गए थे तो मेरे साथ जो है बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे गली के कुछ आवारा लड़के, तो उसकी शिकायत लेकर हम गए थे। तो उस पे जो है क्या कहते हैं मेरे घर में जो है मेरा खाना पीना और रहना सब कुछ खत्म करवा। सुना आपने, योगी के पास गुहार लगाना एक महिला को किस तरीके से भारी पड़ गया, क्योंकि ये महिला योगी से फरियाद लगाने सिर्फ और सिर्फ भगवा दुपट्टा पहनकर पहुंची थी, जिसके बाद महिला का जीना काफी मुश्किल हो गया और उस मुस्लिम महिला को काजी धमकियां देने लगा। परिवार वाले महिला को घर से बेदखल कर चुके थे और महिला न्याय की अब भीख मांग रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश, जहां महिला को योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भगवा दुपट्टा पहनना इतना भारी पड़ गया कि उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। काजी ने महिला को खूब धमकाया, यहां तक कि महिला को इस्लाम और घर से भी बेदखल कर दिया, यानी भगवा दुपट्टा एक मुस्लिम महिला के लिए अभिशाप बन गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, जहां ये मुस्लिम महिला रहती है, उसे सीएम योगी के जनता दरबार में भगवा दुपट्टा ओढ़ना एक मुसीबत बन गया है। मुस्लिम महिला का आरोप है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भगवा दुपट्टा ओढ़कर जाने के बाद उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उसने शहर काजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया है कि वो छेड़छाड़ और प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर जनता दरबार गई थी, जहां मुस्लिम महिला ने भगवा दुपट्टा पहना था, जिसके बाद से ही मुस्लिम महिला से कहा जा रहा है कि तुम हिंदू हो गई हो। महिला ने तो यह भी आरोप लगाया कि शहर काजी उसे डंडा लेकर मारने दौड़ा और उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। हम जनता दरबार में गए थे तो मेरे साथ जो है बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे गली के कुछ आवारा लड़के, चाय के होटल पे बैठते थे, तो उसकी शिकायत लेकर हम गए थे। तो उस पे जो है क्या कहते हैं मेरे घर में जो है मेरा खाना पीना और रहना सब कुछ खत्म करवा दिया शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने। वो फैमिली फ्रेंड की तरह है। 29 नवंबर 2023 को शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने कुली बाज़ार मस्जिद आयशा में बैठकर मेरे साथ जो है बदतमीजी करी, बहुत गंदी गाली बकी, मेरे बाप को बकी, मुझे मारने के लिए डंडा उठाया। अगर थोड़ी देर में हम ना उठ के निकलते तो जो है मुझे जान से मार डालते वो। तो सुना आपने, ये महिला किस तरह डरी हुई है और अपनी पूरी कहानी बयां कर रही है। दरअसल महिला इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंची, जहां महिला ने कहा कि वे छेड़छाड़ और प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर जनता दरबार गई थी, जिसके बाद से उसके बाद ये सब शुरू हो गया। ऐसे महिला काफी घबरा गई है और फिर पुलिस के पास पहुंच चुकी है, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया और पुलिस के अनुसार जानकारी भी दी गई है। पीड़ित मुस्लिम महिला 2022 में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गई थी। मुस्लिम महिला ने मुख्यमंत्री को एक शिकायत पत्र दिया था। महिला का अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। आरोप है कि शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हाजी को इस बात की जानकारी हुई तो काजी ने मुस्लिम महिला का खाना पीना बंद करा दिया। मुस्लिम महिला को घर से भी बेदखल कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसे इस्लाम से भी बेदखल होने को कहा गया। तो बात यहीं नहीं रुकती। महिला का कहना है कि जिस इलाके में वह रहती है, वहां कुछ लोग उससे छेड़खानी और अभद्रता करते थे। महिला का आरोप है कि अब भी कुछ लोग उसे धमकी देते हैं, कहते हैं कि जब तक योगी सरकार है तब तक तुम बची हुई हो, जब कोई और सरकार आएगी तो तुमको देखा जाएगा। महिला का कहना है कि जब से वह भगवा दुपट्टा ओढ़े हुए है तब से आरोपी कहते हैं कि तुम योगी जी के रंग में रंग गई हो। महिला का कहना है कि उसने दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष से, यानी मौलाना सैयद अरशद मदनी से फोन पर शिकायत भी की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। और 2022 से लेकर अब तक की ये भेदभाव हो रहा है। ना मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ढंग के हैं, ना कम्बल है, ना स्वेटर है, ना शॉल है, यहाँ तक कि पानी तक ही पीने का हम बाहर से लाते हैं। दिन हम उड़ के चले गए तो उन्होंने कहा आइंदा से तो तू जो है ये रंग ओढ़ के नहीं आएगी वरना अच्छा नहीं होगा, और हिंदू बन गई है पूरी तरीके से। और वैसे भी तो जनता दरबार गई भी थी और हमारे मजहब में जो है औरतें जो है सर झुका के रहती हैं, जो आदमी कह दे वही करना है उनको, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन हमारे मजहब में हमारी शहर काजी ने और मौलाना अरशद मदनी साहब ने नहीं सुनी, जबकि हमने गुहार लगाई, अपनी शिकायत करी कि हम भूखे प्यासे रह रहे हैं, हमारी थोड़ी मदद की जाए, लेकिन नहीं, कोई मदद नहीं करी और कहा कि आपके शहर का मसला आप खुद हैंडल करिए। तो सुना आपने कि कैसे भगवा पहना तो महिला को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। फिलहाल महिला अपनी माँ के साथ रह रही है।
मामला अब पुलिस के संज्ञान में है और इसकी जांच के लिए डीसीपी सेंट्रल को आदेश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि मुस्लिम महिला का अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, कई बार इसको लेकर वो शिकायत कर चुकी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई भी की है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वाकई ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है? सवाल ये भी कि किसी रंग पर क्या किसी का अधिकार हो सकता है, क्योंकि किसी का भी भगवा रंग हो सकता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और भारत में किसी भी रंग के कपड़े पहनने की आजादी है और यही चीज भारत को खास बनाती है। लेकिन अब ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं और वो सवाल उस सोच पर खड़े होते हैं जो रंगों को लेकर लोगों के मन में है, जैसा इस मुस्लिम महिला के साथ किया गया। खैर, आगे ऐसा ना हो इसकी उम्मीद की जा सकती है और पुलिस की कार्यवाही इस मामले को लेकर तुरंत हो सके ये भी उम्मीद की जा सकती है, जिसके बाद सबके सामने इसका सच आ सके। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।